कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आस्था फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। सुबह से ब्लॉग स्टार्ट किया है, झाड़ू पोछा हो गया था, नहा भी लिया था, फिर ब्लॉग स्टार्ट किया मैंने। आप लोग बने रहना, यहाँ पे आलू चढ़ा दिए हैं। क्या बनाऊंगी? आप लोग बने रहना और देखना क्या बनाऊंगी नाश्ते में। चाय बना ली है, पीने जा रही हूँ, बज गए हैं 9:45। क्योंकि लेट हो जाती है, थोड़ा पूजा उजा करने में टाइम लग जाता है, तो इसलिए बच्चों को नाश्ता बना दिया था। सुबह लड़का स्कूल गया है और यहीं से आज ब्लॉग स्टार्ट किया। उम्मीद करूँगी आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो बताना कैसा लगा, पूरा जरूर देखना, पूरा देख के ही कमेंट करना आप लोग। तो चलिए मिलूँगी थोड़ी देर में। चाय बन गई है, चाय पीने के बाद आलू बॉयल हो रहे। और यहाँ पे मैंने आलू मेरे हो गए थे बॉयल, और यहाँ पे मैंने सिल धुल ली है और बनाऊँगी चटनी। तो किस चीज़ की बनाऊँगी चटनी? बनाऊँगी अमचूर की। और यहाँ पे पिसी हुई अमचूर ली है और मैं सिल पे ही पीसूँगी, क्योंकि सिल की ज़्यादा अच्छा स्वाद आता है। और पिसी हुई है, मिक्सी में नहीं पीसूँगी। और साबुत धनिया मैंने साफ कर ली है, साफ तो थी बट फिर भी कर ली है, और इसे धुल दी है और ये डाल दी है। और चीनी डालूँगी, थोड़ा गुड़ गुड़ डालूँगी, और जीरा, सौंफ और साबुत धनिया, लाल मिर्ची, ये सब डालूँगी। बहुत अच्छी बनती है, कई बार बनाई है मैंने, इमली की भी बनाई है, और ये आज इसी की बनाऊँगी। और बनाने हैं मुझे ब्रेड पकौड़ा, तो इस वजह से। और लाल मिर्ची थोड़ी डाल दी है, नमक डालूँगी, ये सब डाल दूँगी। और इसे शौक लग रहा है लड़की को, ये पीसेगी, तब तक मैं और काम कर लूँगी। काम तो काफ़ी हैं घर में, काम तो नहीं होते कभी ख़त्म, कितने भी करो कभी नहीं समटेगा, तो लगा पड़ा ही रहेगा। क्योंकि कपड़े भी थे बहुत ज़्यादा, तो ये ब्रेड एड पकौड़ा बनाने के बाद धुलूँगी। कपड़े सर्फ में डाल के आई हूँ तो धुलूँगी, और बेड एड सीट भी बहुत गंदी हो रही है, वो भी धुलनी है। आज नहीं डाली है क्योंकि शुक्रवार को डालूँगी, आज है बुधवार, तो सुबह धुल लूँगी। ये कपड़े बच्चों के हैं, हमारे लोगों के हैं। तो और यहाँ पे आलू मैंने छील लिए थे और गरम, बहुत गरम थे, तो यहाँ मैं गिलास की सहायता से इसे फोड़ लूँगी, क्योंकि अब ठंड नहीं है, गर्मी पड़ने लगी है। तो इस वजह से चटनी पिस गई थी, तो एक कड़ा इसमें मैंने रख दी है, इसे करूँगी मैं बॉयल। तो इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट भी आता है और कलर भी बहुत अच्छा हो जाता है, तो इस वजह से पका लूँगी, अच्छे से पक जाएगी ये काफ़ी। तो इसमें पानी काफ़ी पड़ा था और ये फूल गई थी, फूल के काफ़ी गाढ़ी बन गई थी और काफ़ी अच्छी बनी थी। और ये हो गई है चटनी, जब तक ठंडी होगी तो और गाढ़ी हो जाएगी। और इसमें कढ़ाई रख दी, इसमें डालूँगी तेल, थोड़ा डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालना है। और जब तेल हो जाएगा तो इसमें साबुत धनिया डालूँगी, साबुत धनिया डाली थी मैंने, और आप लोग डालें तो डालें, नहीं तो नहीं, मत स्किप भी करते हैं, लेकिन मुझे अच्छी लगती है, तो इस वजह से मैंने डाल दी है। जैसे समोसा बनाते हैं उसी जैसा मैंने पूरा मसाला बनाया था। और ये मैंने डाल दी है जीरा और साबुत धनिया, और ऊपर से मसाले डालेंगे। इसमें आलू डाल दिए हैं क्योंकि बच्चों का मन क्या, बच्चों का क्या, आज मन ही था, तो इस वजह से बना लिए ब्रेड पकौड़े। एक तो प्याज आज तो खा नहीं रहे, नवरात्रि चल रही है, तो इस वजह से सोचना पड़ता है क्या बनाओ सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम। तो ये ब्रेड पकौड़ा ही बने थे, दोपहर में खाना किसी ने नहीं खाया, किसी ने भी सब्जी रखी थी, सुबह बनाई थी, लड़का स्कूल गया था, तो सोचा था कि चावल बना लूँगी, रसीली सब्जी है, तो किसी ने नहीं खाया क्योंकि ये ब्रेड पकौड़े खबे, तो उसके बाद पानी ज़्यादा पीता है, तो पानी ही पीवा पिया सभी ने, पानी से पेट भर गया, किसी ने नहीं खाया, तो फिर नहीं बनाया था खाना। और इसमें मैंने धनिया पाउडर, सब्जी मसाला था वो डाला, और चाट मसाला, लाल मिर्ची, ये सब, और ये सब मसाले डाल दिए थे जो जो था, हरी धनिया नहीं थी वो नहीं डाली, अगर आप लोगों के पास है तो डाल दें। और बहुत अच्छा ये बन के तैयार हुआ था, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा, तीखा 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 तीखा,
काफ़ी अच्छा लगा था, ये ठंडा हो गया था, उसके बाद मैं भरूंगी ब्रेड में। और ये समोसा का बना है, आप समोसे भी बना सकते हैं इसके। और ये बेसन मैंने ले लिया है और पैकेट में रखा था, वो थोड़ा उसमें था तो वो भी मैं डाल लूँगी क्योंकि पड़ा रहेगा तो इस वजह से। और इस ये भी फाड़ लिया था मैंने, तो ये बेसन की मैं ब्रेड पकौड़े बनाऊँगी। और मेरी सास आई है किचन में, और ये मेथी और अजवाइन और हींग और काला नमक मैं दूंगी इनको। काला नहीं दिया था, सफ़ेद था, वैसे काला के लिए बोल रही थी, काला लग रहा मिला नहीं था तो इसलिए सफ़ेद दिया था। और वो भी आ गई थी किचन में कराने के लिए क्योंकि मन नहीं लगता उनका भी, क्या करें क्या करें, तो इस वजह से। तो मैं बोली तुम बैठो वहाँ पे, मैं कर रही हूँ, जब बन जाएगा जब दूंगी बना के। लेकिन बूढ़े लोगों को अच्छा नहीं लगता है तो इस वजह से वो किचन में आ गई थी। और बताना आप लोग कैसा लगा वीडियो, बताना कमेंट करके, पूरा ज़रूर देखना और लाइक भी कर दिया करें, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। मैंने बेसन में डाला जीरा और हींग नमक और पानी से अच्छे से ब्रेड तैयार कर लिया है एक जैसा, क्योंकि अच्छे से ब्रेड में हो जाए तो। और ब्रेड में मैं आलू रख लूँगी और बीच से काट दूँगी चाकू से। तेल डाल दिया है, गरम हो जाएगा, सरसों का तेल डाला है। ये काला काला लग रहा है, ये गाँव का है, इतनी झरबीला, बहुत झरबीला था, आँखों में आंसू आ गए, बहुत झरबीला था ये। तो अच्छे से तब तक होगा ये तेल जब तक मैं ब्रेड कर लूँगी, इसमें भर लूँगी ये आलू और अच्छे से। और मेरी सास कुछ बोल रही थी, लोग बात कर रहे थे, तेल हो गया था गरम और एक एक करके डाल दूँगी। गर्मी आ रही है तो ये ऑयली ऑयली चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन बच्चों का मन नहीं भरता, बच्चों को रोज़ दे दो, कभी मना नहीं करेंगे। और अब तो मानते भी नहीं हैं, जब तक पूरा उनकी नहीं करोगे जब तक तो बोलते रहते हैं, नहीं बनाओगे तो खुद आ जाएंगे किचन में, ऐसे हो गए बच्चे सच में, तो बनाना पड़ता है। और तो लेकिन ये चीज़ें नुकसान बहुत करती हैं, तेल तेल हो जाता है ब्रेड में, खासकर बहुत तेल भर जाता है बहुत। तो मैंने तो क्या किया था अपने, मैंने तो अखबार में ऐसे करके और निचोड़ के उसके बाद मैंने खाया था, बहुत गीला हो गया था अखबार, वो बन के हो गए तैयार। इसी लड़की को और उसकी दादी को दे दिए मैंने, वो खा रही हैं। और जब तक और सेक लूँगी, ये बन रहे हैं और गर्म गर्म अच्छे लगते हैं। और रख दिया था क्योंकि लड़का स्कूल गया था, वो आएगा 2:45 बज जाते हैं आते आते, तो उसके लिए एक दो बना दूंगी। और ये लोग खाएंगे तो फिर देखूंगी, सब्जी रखी है तो चावल बनाऊंगी, नहीं तो रोटी सेंक दूंगी। लेकिन किसी ने नहीं खाया था, बेटे के लिए सिर्फ बनाए थे मैंने। और ये बन के हो गए हैं तैयार। और धीमी आंच पर बनाए थे चारों तरफ से अच्छे से, काफ़ी कलर आ गया था। और जो ब्रेड बेसन बचा था, आलू तो काफ़ी बचे थे, तो जो बेसन बचा था उसमें मैंने डाल दिए थे, बेसन के भल्ले टाइप में बन गए थे। बन के हो गए हैं तैयार, बच्चों को दे दिए थे, बच्चों क्या लड़की और मेरी सास ने खा लिए, हम दोनों लोग जा रहे हैं खाने। अब ये गरम गरम है, अच्छे लगेंगे, आप लोग भी आ जाइए, मिलूंगी थोड़ी देर में। और बर्तन बहुत ज़्यादा पड़े हैं, किचन की हालत है ख़राब, ज़्यादा नहीं है पर थोड़ी है। मिलूंगी खाना खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद। आप लोग बने रहना, पूरा वीडियो देखना, कमेंट करके बताना कैसा लगा।
और खाना आना खाया, उसके बाद ये बर्तन धुले थे। बेटा भी आ गया था, ये है 3 बजे का क्लिप। ये बर्तन वर्तन धुले, उसके बाद फिर कपड़े अपने ऊपर से लेके आई, कपड़े अपने तय किए, तो काफ़ी शाम हो गई थी। ज़्यादा फिर ऐड नहीं किया क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाता है फिर वीडियो, फिर सोचना पड़ता है कहाँ से पार्ट कट करो क्या करो, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, इसलिए ज़्यादा और ऐड नहीं किया इसमें। खाना ना खाया, उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर एक बर्तन धुले, किचन विचन क्लीन की, और उसके बाद फिर कपड़े ऊपर से लेके आई, क्योंकि कपड़े भी ऊपर डाल दो तो तुरंत लेके आ जाओ, 1 घंटे में सूख जाते हैं ये कपड़े, क्योंकि पड़े रहेंगे तो कलर उड़ जाता है, तो इस वजह से। तो वीडियो का एंड करूँगी, काफ़ी बड़ा हो रहा है वीडियो, इसलिए शाम हो गई है, बनाऊँगी चाय, काम हो गया है सब, थोड़ा थोड़ा क्लिप लिया था। उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो कमेंट करके बताना कैसा लगा, और जो भी चैनल पे न्यू आती है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल फ्री है, पैसा नहीं लगता है, और कमेंट करके बताना कैसा लगा। बाय, फिर मिलूंगी एक अच्छे से एक नए से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।